नमस्कार अम्रियजनों, आप देख रहे हैं सिटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि सर एक स्पेशल वीडियो ले आओ, बीएचयू से बीए करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या हमें कितने मार्क्स लाने पे हमें एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटीज है। बेसिकली सीयूटी में कौन कौन से सेक्शन है जो हमें बीएचयू बीए के लिए चूज करने हैं, तो बेसिक डाउट्स थे। मुझे लगा एक स्पेशल वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर देना चाहिए, लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं इस बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स से रिलेटेड हर कुछ डिस्कस करना चाहिए जिससे आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि मैं आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं सब क्लियर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। और साथ ही मैं एक मीम देखा था लाइक कि ऑनर्स और लाइक बीए प्रोग्राम को लेके, है ना, वो जो सौरभ द्विवेदी जी हैं उसके ललन टाप के, उन्होंने कहीं पे इंटरव्यू लिया ग्राउंड लेवल पे, तो वो जो लड़का है वो कहता है मैं प्लेन बीए करता हूँ, तो फिर मीम बना कि मसाला बीए, फ्राई बीए तो कई सारा बीए आ गया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे कि ऑनर्स और प्रोग्राम यानी नॉर्मल बीए में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये वीडियो 2024 के लिए होने जा रहा है और इसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बीएचयू से बीए करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है उससे जाने से पहले ये जानो कि यहाँ पे दो बीए हैं, वो प्लेन और ऑनर्स वाला बीए छोड़ो, यहाँ पे भी या तो जुड़वा भाई बोल लो या जुड़वा बहने बोल लो या एक भाई एक बहन बोल लो। एक है आर्ट्स और दूसरा है सोशल साइंसेस। यानी आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों के सीटें अलग हैं, दोनों के फैकल्टी अलग हैं, और इतना ही नहीं ये एफएमसी में भी है और बाकी बीएचयू के जितने एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहां पे भी है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस पहले समझते हैं कि आर्ट्स और सोशल में क्या है। आर्ट्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको पूरे अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बेसिस 4 साल पढ़ना पड़ेगा। ध्यान देना कि ये बीए अब 4 साल का हो गया, ठीक है। ये बीए अगर आपको बीएचयू से करना है तो आपको 4 ईयर्स देना पड़ेगा, अब 4 साल देना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है। हाँ, लेकिन बीच में इस 4 को अगर आप छोड़ते हो, 4 साल के पहले कोर्स छोड़ते हो, तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट ये सब आपको दिया जाएगा। आर्ट्स के लिए जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है इसमें बेसिकली लैंग्वेज के साथ बनाया गया है, इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज साथ बनाया गया है, जैसे हिंदी, फिलोसफी, अरेबिक, लाइक संस्कृत, पाली, साइकोलॉजी, इस तरीके से बनाया गया। लेकिन जब आप सोशल साइंस की बात करते हो तो इसको हाईली रिकमेंड किया जाता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि यूपीएससी में जो सब्जेक्ट आपके एज अ राइटिंग के लिए पूछा जाता है, जो पेपर्स आपको दिए जाते हैं जीएस के पेपर, उसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सब आते हैं वहां पे, तो ये इसमें कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। यहाँ पे रेयरली मिलेंगे, कुछ ही कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं जो कि यूपीएससी के फेवरेबल होते हैं। बाकी आजकल तो यूपीएससी फ्री हो चुका है, लाइक कोई उसकी बेसिक नीड नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर ही आओ, अब तो इंजीनियरिंग वाले इवन मेडिकल वाले अच्छा क्रैक कर लेते हैं, तो उसकी कोई बेसिक नीड नहीं है। लेकिन एक माइंड में बैठा हुआ है कि सोशल साइंस में सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैं भी मानता हूं कि अच्छे हैं, लेकिन आर्ट्स का जो सब्जेक्ट्स है वो लाइक कि आपके पहले से ही माइंड में रहता है कि हमें ये एम लेके चलना है। अब जैसे किसी को संस्कृत पढ़ना है, किसी को भाई आगे चल के संस्कृत का प्रोफेसर बनना है तो आर्ट्स में ही जाएगा, किसी को पाली पढ़ना है आर्ट्स में जाएगा, किसी को फ्रेंच जर्मन पढ़ना है आर्ट्स में जाएगा, किसी को फिलोसफी के साथ कोई कॉम्बिनेशन चाहिए आर्ट्स में जाएगा। तो कॉम्बिनेशन पे बेसिकली बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बस ये समझ जाओ कि आर्ट्स और सोशल दो होते हैं यहाँ पे और दोनों की सीटें अलग है। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे 700 सीटें होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 500 सीटें होती हैं। ये बस एफएमसी की बात कर रहा हूं, अभी कम से कम इसका 5 से 6 गुना सीटें और होती है, मतलब टोटल 3,500 के आसपास सीटें आएंगी पूरे सोशल आर्ट्स और एफिलेटेड मिला के, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहीं पे हम लोग ना ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो ऑनर्स होता है, ठीक है, ऑनर्स जो होता है और जो नॉर्मल बीए प्रोग्राम होता है वो क्या होता है। ऑनर्स का मतलब होता है जब यहाँ पे हम कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं 1, 2, 3 का, 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको पूरे 4 साल पढ़ना पड़ेगा। ये जो ऑनर्स होता है यानी कि आपको एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कराने जा रहा है, मीन्स कि आगे चल के आप बोल पाओगे कि हमने फिलोसफी से ऑनर्स किया है, हमने ज्योग्राफी से ऑनर्स किया है, तो वो आपका एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, उसमें आप निपुण हो जाते हो क्योंकि वो पूरे साल पढ़ाया जाता है, और बाकी के सब्जेक्ट जो होते हैं वो साल बाई साल, ईयर बाई ईयर छूटता चला जाता है, लास्ट में जाके आपको एक ही का पेपर देना पड़ेगा, उसी के कई पार्ट्स होंगे,
समझ में आ गया। तो ये नॉर्मल बीए में सब चलता है, वहां पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। और वहां पे ये भी फ्रीडम रहती है कि जैसे बीएचयू में आप लाइफ की, यहाँ पे एक और डाउट क्लियर करना चाहूंगा, बीएचयू में आगे चल के आप मास्टर्स करना चाहते हो तो कई सारे यहाँ के जो मास्टर कोर्सेज हैं वो ये कहता है कि आप यूजी में, यानी ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे एक दो तीन चूज किए हो, इसी में से किसी एक से आप यहाँ मास्टर्स कर सकते हो। कहीं कहीं पे तो यहां तक बीएचयू में कंडीशन है कि आपका जो ऑनर्स होगा वही आपके एमए के लिए माना जाएगा, वही आपके मास्टर्स के लिए एज अ ऑफर किया जाएगा। तो ये पूरी डिटेलिंग बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आप लोग ना पहले सीयूटी दे लो, फिर मैं बताऊंगा कि आपका कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो ये कहता है कि आप किसी स्ट्रीम से आओ, व्हाटएवर आपने 12वीं मैथ से किया है, आपने कॉमर्स से किया है, ह्यूमैनिटीज से किया है, आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, योगा कुछ भी करके आ रहे हो, कोई भी स्ट्रीम लेके आ रहे हो, आप 12वीं बस ऑफिशियल किसी जो रिकमेंडेड स्कूल होते हैं, वेरीफाइड स्कूल होते हैं, वहां से आप करके आओ, आप आराम से बीए कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रीम चूज चलेगा। अब सीयूईटी में बेसिकली यहाँ पे बोलता है कि आपको एक लैंग्वेज चाहिए। यहाँ पे अब देखो मैं आपको बहुत ही अच्छे समझा रहा हूं, आपको बीएचयू से बीए करना है तो आपको, मैं फिर से प्लीज यहां से ही माइंड में दिमाग में बैठा लो, आपको बीएचयू से बीए करना है तो सीयूईटी में एक लैंग्वेज और जीटी मस्ट है आपको चूज करना, ओनली एक लैंग्वेज। आप हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, और जनरल टेस्ट मस्ट है, यही इंग्लिश हिंदी में से कोई एक, और जनरल टेस्ट के बेसिस पे लास्ट में आपका जो कट ऑफ बनेगा, जो आपके मार्क्स बनेंगे वो इसी बेसिस पे बनेंगे। सो प्लीज माइंड में दिमाग में बैठा लो अपने कि आपको बीएचयू से बीए करना है तो एटलीस्ट सीयूटी में एक लैंग्वेज और आपको जनरल टेस्ट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जनरल टेस्ट और मार्किंग, जनरल टेस्ट और जो लैंग्वेज है इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है। भाषा यानी इसी को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, ध्यान देना। यहां पे आपने सपोज कि इंग्लिश चूज किया या हिंदी चूज किया तो क्वेश्चंस आएंगे 50। कितने आएंगे? 50। 50 में से आपको 40 अटेम्प्ट करना है। उसी तरीके से जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आएगा, 50 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और 45 मिनट दिया जाएगा आपको लैंग्वेज के लिए, 45 मिनट्स आपको एनटीए दे रही है सॉल्व करने के लिए। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी 45 मिनट में 40 क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको 60 मिनट दिया जाएगा, कितने? 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया। और यहाँ पे मार्क्स भी मैंने कैलकुलेट कर दिया है, क्योंकि ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स। सीयूईटी यूजी के लिए जो मार्किंग स्कीम है एनटीए की तरफ से, ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग कितना है? वो है 1 मार्क्स, ठीक है। एक गलत करने पे आपका 1 नेगेटिव में जाएगा, और यहाँ पे 200 हो जाएगा किसके लिए? लैंग्वेज के लिए, और 250 हो जाएगा जनरल टेस्ट के लिए। यही पे एक शॉकिंग बात आपको समझानी है, जब बीएचयू आपका कट ऑफ बनाएगा तो ये दोनों सिंपली नहीं ऐड करना है, ये 200 का आधा बोलता है। यानी आप लैंग्वेज में अगर 200 पाते हो, 200 में 200 पा गए तो आपका 100 मार्क्स ही वो कैलकुलेट करेगा, और जनरल टेस्ट का ये पूरा मार्क्स कैलकुलेट कर लेगा। सपोज कि कोई बच्चा लैंग्वेज में 180 लेता है, कितना? 180 ले आता है, 180 लाता है, तो उसका अब जो मेरिट बनेगा वो जीटी में मान लो पूरा भाग गया 250, तो पूरा 250 और ऊपर का 90 ही ऐड किया जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज को ये लोग हाफ कर देते हैं। ये अभी तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, आगे अगर बदलेगा तो मैं बताऊंगा। तो इसका मतलब ये यहां पे क्लियर हो जाता है कि आपको जनरल टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यही तो हुआ इसका मतलब कि जनरल टेस्ट पे आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल टेस्ट का जो मार्क्स है वो एज इट इज पूरा एड हो रहा है एज कंपेयर इंग्लिश का या हिंदी का। वहां पर 50% का ही वेटेज आपका एड किया जा रहा है कट ऑफ बनाने के लिए। तो ये डिस्कशन जो है स्पेशली मैं डिस्कस किया किसके लिए? बीएचयू से बीए करने के लिए। अब यहाँ पे क्या क्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे? कट ऑफ यानी कितने मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने मार्क्स लाने पे आपको हायर सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो कि यूपीएससी के लिए रिकमेंड करता है, प्रोफेसर बनने के लिए रिकमेंड करता है, तमाम चीज है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग जो इसकी सीट डिटेलिंग है उस पर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे। सो प्लीज हमको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर कॉल करके आप काउंसलिंग करा के कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ओनली 999 यानी 999 रुपए में। हर हर महादेव।